आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हों, लेकिन इस मामले में फैसला आम आदमी पार्टी ही लेगी। ये मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रयागराज में कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के लिए वोट की अपील उन्होंने की है, और इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का समर्थन भी किया है। उन्होंने राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बताया है उनको। हालांकि उन्होंने कहा कि जीत के बाद सभी दल बैठकर ये तय करेंगे। भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जीत के बाद। ये हम जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, उनके मन में भावना तो है। राहुल गांधी हैं प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है निश्चित तौर पे।